इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जी कलर स्पेसिफाई होगा कैसे, कलर लगेगा कैसे, और कलर की टर्मिनोलॉजीज कुछ डिस्कस होंगी यहाँ पे, और बैकग्राउंड कलर कैसे लगता है वो भी ये बताएंगे यहाँ पर। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कलर कैन रियली ब्रिंग योर पेज टू लाइफ। कलर आपके ना पेज में जान डाल देता है। अच्छा, क्यों? ब्लैक एंड वाइट एक इमेज हो और एक कलर इमेज हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इमेज बैकग्राउंड इमेज है, तो ये शायद उतनी बेहतर नहीं लग रही है जितनी एक कलर इमेज लगती है। तो कलर का बड़ा काम है किसी भी क्या कहते हैं इमेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने में उसका एक बड़ा किरदार है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि फोरग्राउंड कलर ना कैसे चेंज होगा, अगर फोरग्राउंड कलर हमने चेंज करना हो तो वो कैसे चेंज होगा। अच्छा, तो हम ज़रा कोड ओपन कर लेते हैं, और ये तो सेक्शन ये वाला है, इसको हम, और आपका हम सेक्शन बी, ये जी सेक्शन बी हमने ओपन कर लिया। ठीक है जी, अब इस सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी का जो कोड अभी तक हम लिख चुके हैं इसको जरा ओपन करते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। इसमें कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट हमने बना लिया। अच्छा, इस पे हम फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों हम लगा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये हमने ज़रा वैसे ही सरसरी सा जब शुरू किया था CSS तो वैसे ही मैंने ये लगा के दिखा दिया था, इसको हमने बाकायदा पढ़ाई नहीं की थी इसकी कि ये जी कैसे हो रहा है। अच्छा, अब हम ज़रा वो डिटेल देख लेते हैं इसकी कि कैसे हो रहा है। कलर को स्पेसिफाई करने के ना तीन तरीके हैं यहाँ पर, ये सेलेक्टर है सब लोगों को पता है, और ये है, ये क्या है, रूल है, ये CSS का रूल है। रूल कंटेन्स प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है, हर रूल के अंदर कोई प्रॉपर्टी होगी और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो हमारे पास H1 का सेलेक्टर है कि जी H1 के ऊपर ये लगने जा रहा है जो भी स्टाइल है, और रूल हमारा क्या कह रहा है कि जी कलर को चेंज कर दो, डार्क क्यान कलर कर दो इसका, ठीक है। तो कलर को लगाने का सबसे पहला तरीका है जी कलर नेम, कलर नेम के ज़रिए आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कलर को। और दूसरा तरीका है जी, आप इसका हेक्स कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी, हेक्स कोड अब क्या चीज़ है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। और तीसरा कलर है RGB की वैल्यूज़ के जी, RGB लिखा और रेड ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू की ना वैल्यूज़ दे दी, क्योंकि नेचर के आपको पता है 7 कलर्स हैं, 7 तो नहीं खैर अब और भी ज़्यादा उससे आगे भी दरियाफ्त हो गए हैं, लेकिन बेसिकली जो नज़र आते हैं ह्यूमन को वो 7 ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रेनबो का कलर है, अगर मैं यहाँ पे रेनबो लिखूँगा तो जो रेनबो का कलर है आप देखेंगे वो रेड से शुरू होके ना और ब्लू पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो रेड जो है वो सबसे हल्का कलर है और ब्लू जो है वो सबसे भारी कलर है इस रेनबो की पूरी पट्टी के अंदर, यानी हल्का भारी इस सेंस में कि जो ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, इस सेंस में मैं भारी कलर कह रहा हूँ। तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। और रेड के उस तरफ और ब्लू के इस तरफ भी कलर्स दरियाफ्त हो चुके हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो हमें नहीं नज़र आते, हमें यही वाली रेंज है जो हमें नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, रेड की रेड से नीचे कौन सा कलर है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं इन्फ्रा रेड, ठीक है, यानी रेड से भी हल्का, इन्फ्रा का मतलब होता है हल्का, रेड से भी हल्का। तो ये इन्फ्रा रेड जो जितने भी हमारे जो TV का रिमोट है और AC का रिमोट है, ये ज़्यादातर इन्फ्रा रेड लाइट पर काम करता है, एक इन्फ्रा रेड बत्ती होती है जिससे, इसी तरह नाइट विजन का जो कैमरा होता है, जो CCTV में आपने देखा होगा, वो LED लाइट्स लगी होती हैं गोल गोल, लेकिन वो जलती नहीं है, वो बुझी रहती है। वो जो थोड़े बिल्कुल ही लोकल वाले होते हैं उसमें हल्की हल्की रेड कलर की वो जलती हुई नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो वो असल में इन्फ्रा रेड लाइट होती है, इन्फ्रा रेड लाइट क्योंकि वो रेड से भी कम कलर पे जल रही होती है तो हमारी आँखों की रेंज से बाहर है, हमें नहीं दिखती। अच्छा, इसी तरह जो ब्लू पे जब ये ख़त्म होता है ना, ब्लू
वॉयलेट है असल में, ब्लू से भी ऊपर का कलर है वॉयलेट, वॉयलेट पर ख़त्म होता है असल में। तो वॉयलेट से जो ऊपर है वो अल्ट्रा वॉयलेट है, अल्ट्रा वॉयलेट भी हमें नज़र नहीं आती है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ख़तरनाक है। अल्ट्रा वॉयलेट जो रोशनी है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो वो भी सूरज में हमारे अल्ट्रा वॉयलेट भी मौजूद है, इन्फ्रा रेड भी मौजूद है, सही है। इसी वजह से जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो उसको थोड़ा उसमें जाने से अवॉइड करना चाहिए। और आपने देखा होगा जो गोरी चमड़ी होती है बेचारों की, सेंसिटिव होते हैं, गोलू मोलू से होते हैं वो, तो वो जब बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगाते हैं वो। हम तो ढीठ चमड़ी है हमारी, हमें तो आदत हो गई है इसकी ना, तो हमें इतना फील नहीं होता। अब उन बेचारों के पास कभी 6 महीने में एक दफ़ा तो धूप निकलती है, तो बेचारे वो सनस्क्रीन जल्दी जल्दी ऐसे लगाते हैं, बोलते हैं हाँ आप सही है। अच्छा तो जी, हमने देखा कि कलर जो है ना हमारे पास टोटल जो है वो नेचर के जो कलर हैं वो 7 हैं। अच्छा, लेकिन डिजिटल स्क्रीन में हमारे पास सिर्फ 3 कलर्स होते हैं जिससे तमाम की तमाम कॉम्बिनेशन को बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस रेनबो के अंदर देखें तो इस रेनबो में मेरे पास येलो कलर भी है, ग्रीन भी है इसके अंदर, और ग्रीन और ब्लू के दरमियान में एक स्काई कलर भी है। तो ये स्काई कलर जो है वो तीनों से मिलके बन जाता है, यानी अगर मैं ब्लू के अंदर थोड़ा सा ग्रीन ऐड कर दूँ तो वो स्काई कलर बन जाता है शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, इसी तरह जो ऑरेंज कलर है अगर मैं उसमें रेड के अंदर थोड़ा सा येलो ऐड कर दूँ, सॉरी हाँ थोड़ा सा येलो ऐड कर दूँ तो ऑरेंज बन जाएगा शायद, आई एम नॉट श्योर, कलर मिक्सिंग मुझे नहीं इतनी आती, लेकिन वो ऑरेंज मैं बना सकता हूँ उससे। तो तो 3 कलर से मिलके ना ये सारे कलर बन जाते हैं डिजिटल स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब ये इसका क्या चक्कर है भाई, डिजिटल स्क्रीन के ऊपर ये 3 कलर से मिलके सारे कलर कैसे बन जाते हैं? उस पे जाने से पहले हम पहले तो देखते हैं कलर नेम का क्या चक्कर है। कलर नेम क्या है भाई, ये ना RGB की वैल्यूज़ हैं असल में जिसको नाम दे दिया गया है। तो HTML के अंदर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है 147 जो है ना प्री डिफाइंड कलर्स हैं। अब इसमें शायद 147 में कुछ और भी 15-20 इन्होंने शायद ऐड किए हैं मज़ीद, क्योंकि ये बुक 2009 में लिखी गई है। तो अभी हम ज़रा इस पे जाके देख लेते हैं ना, W3 स्कूल पे और CSS कलर नेम्स और MDN पे, ठीक है जी, CSS कलर्स और MDN पे भी जाके ज़रा हम देख लेते हैं कि वहाँ पे कितने कलर्स आ रहे हैं। अगर तो कुछ ऐड किया होगा उन्होंने तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। क्या हो गया भाई, ये आ गया जी नेम्ड कलर्स, ठीक है ये वो सारे नेम्ड कलर्स हैं। अच्छा, इन्होंने थोड़ी सी कैटेगरी वाइज जो है ना उसको थोड़ा अलग अलग कर दिया, हल्के कलर्स को शायद एक तरफ कर दिया टेबल में। तो ये कोई 147 या उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा कलर जो है ना यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं 140 है भाई, कम कर दिया, बुक में 147 लिखा हुआ है। तो ये वो सारे कलर्स हैं, कॉरल कलर है, चॉकलेट कलर है, क्रिम्सन है, क्यान है, ठीक है, डार्क क्यान है, डार्क ग्रे है, ठीक है जी, डार्क ग्रीन एंड डार्क मजेंटा, डार्क खाकी, डार्क ऑरेंज, ठीक है जी, फ्लोरल वाइट, घोस्ट वाइट, ये सारे इन्होंने कलर के नाम दे दिए। अच्छा, तो ये जो कलर के नाम इन्होंने दिए हैं ये इन्होंने क्या कर दिया है, मोस्ट कॉमन जो कलर थे ना उसको नाम दे दिया है ताकि उसको नाम से मुखातिब किया जा सके। तो अच्छा, इसमें मगर है लिमिटेशन, इसमें सिर्फ लिमिट है 147 कलर्स की। अब दुनिया के अंदर 147 से तो बहुत ज़्यादा कलर्स हैं ना, तो जो मोस्ट कॉमन कलर जैसे ग्रीन है भाई, पाकिस्तान का झंडा ग्रीन है, ठीक है, कोई आपने किसी वॉल का कलर आपने सफ़ेद रखना है तो जी सफ़ेद है, वाइट कर दो आपने, ठीक है। लेकिन अब कोई जैसे अब हमारे दोस्त हैं, इनके जो बाल का कलर है ये एक रेड कलर का एक ऐसा शेड है, इनको पता नहीं है क्या आपके बालों की बात हो रही है, तो आप ज़रा इधर मुतवज्जा हो जाइए। हाँ, अभी CSS हो गया, तो सारे लोग यार इधर मुतवज्जो हो जाए, बात नहीं करें आपस में। तो यार इनके जो बालों का एक रेड कलर का एक ख़ास शेड है इन्होंने जो मेहंदी लगा के बनाया है, तो ये कलर जो है ना इसका नाम नहीं मिलेगा मुझे अब या तो इससे थोड़ा वो कम होगा, रेड करूँगा तो वो बिल्कुल रेड हो जाएगा, रेड तो है नहीं है,
या ऑरेंज करूँगा तो बिल्कुल ऑरेंज हो जाएगा। अब ये रेड और ऑरेंज के दरमियान की कोई कहानी है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना कलर बनाना पड़ेगा खुद का, यानी उस तीन कलर को मिला के ये शेड बनाना पड़ेगा मुझे। तो उसके लिए मेरे पास है RGB की वैल्यू, ठीक है, रेड ब्लू और ग्रीन को मिला के मैंने ये कलर डिवेलप करना है। अच्छा कैसे होगा भाई ये डिवेलप, आ जाते हैं जी। एक छोटी सी मैंने ऐप बनाई थी बहुत ज़माने पहले, ठीक है, ये मेरे गिटहब में मौजूद भी है, इसका नाम है RGB, ये मैंने बचपन में बनाई थी। अच्छा इसमें क्या होता है, रेड ब्लू और ग्रीन की जो है ना तीन वैल्यूज़ हैं, 0 से लेके 255 तक इसकी वैल्यू है, ठीक है। रेड की वैल्यू 0 से लेके 255 तक है, ग्रीन की वैल्यू भी 0 से लेके 255 तक है। तो अब इसमें ज़रा हमने इनके बाल का कलर जो है अभी रिप्रोड्यूस करना है। अब कैसे होगा ज़रा, सबसे पहले तो मैंने रेड को कर दिया 255 है ना, रेड को थोड़ा कम कर दिया। अच्छा ग्रीन इसमें डाल देते हैं शायद 10, और ब्लू भी डाल देते हैं इसमें 10। अब देखते हैं क्या बनता है, कुछ इस तरह का कलर बन गया। इसका मतलब है रेड को मुझे कम करना है मज़ीद, रेड को मैंने ज़रा 184 कर दिया, और थोड़ा ग्रीन बढ़ा देते हैं। रेड और ग्रीन मिलके क्या बनता है, ऑरेंज बनता है आई थिंक, 50 कर देते हैं, कोई ऑरेंज के जैसा शेड तो बन गया है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे इसमें से रेड और कम करना है। हाँ भाई, अच्छा इधर तो कुछ और ही दिख रहा है कलर प्रोजेक्टर पे, प्रोजेक्टर पे तो बहुत डिफरेंट दिख रहा है ये कलर। हाँ प्रोजेक्टर के ऊपर ना कलर दिख रहा है काफ़ी डिफरेंट। अच्छा नहीं, अब मैं मज़ीद रेड को अगर कम करता हूँ तो ये डार्क होता चला जा रहा है, रेड को बढ़ाना पड़ेगा मुझे। इसको मैंने वापस 160 कर दिया। अब मैं बाकी कलर्स को ज़रा छेड़छाड़ करके देखता हूँ, अगर मैं ग्रीन को बढ़ाऊँगा तो क्या ये लाइट होगा ग्रीन को बढ़ाने से। हाँ लाइट तो हो रहा है, लेकिन ये तो येलो हो गया यार, ये क्या हो गया, ग्रीन को कम करना पड़ेगा अब थोड़ा। तो अब आप देख रहे हैं इस तरह करके ना मेरे पास ये तमाम की तमाम कॉम्बिनेशन जो है वो मैं बना सकता हूँ इन तीन कलर्स से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा शायद तीन कलर अलग अलग थोड़ा मुश्किल है। अच्छा VS कोड के अंदर हमारे पास एक तरीका मौजूद है, यहाँ पे लेके मैं हवर करता हूँ ना जैसे ही, तो आप देखें ये इधर आ जाता है। यहाँ से शायद इनके बालों का कलर बनाना शायद थोड़ा आसान रहेगा। हाँ भाई मेरे ख्याल है ये हो गया मैच, थोड़ा सा डार्क। हाँ भाई बच्चों देख के बताएं सारे, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो गया मैच आई थिंक, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर ज़्यादा इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। वेल कोई इसी तरह का कुछ कलर है ये तो। खैर पॉइंट कहने का ये था भाई कि ना इस RGB से हम कोई भी कलर तीनों बना सकते हैं। अच्छा अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितने कलर्स बन सकते हैं इन तीन कलर को मिला के, कौन बताएगा ये? 147 तो वो प्री डिफाइंड कलर है ना। देखो सबसे पहली कॉम्बिनेशन क्या होगी, 0, 0 और 0, मैं तीनों को 0 कर दूँ, सबसे पहली कॉम्बिनेशन तो ये होगी ना। अच्छा तीनों को 0 करने से क्या होता है, तीनों को 0 करने से ये होता है कि जी ये हो जाएगा ब्लैक, सही है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 255 कर दूं तीनों को मैं, तो ये बन जाएगा पूरा वाइट, ठीक है। दरमियान वाला कलर है, ये सारे कलर फुल हो चुके हैं सर, तो दरमियान में मुझे इस पूरे कलर का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। तो ये तो मैंने दोनों आपको सिरे बता दिए, अब इसके दरमियान में भाई सबसे पहले मैं इसको रखूँगा 0, इसको रखूँगा 0, अब इससे मैं शुरू करूँगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 कॉम्बिनेशन तो यही हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 255 तक पूरा जाएगा ना, तो ये 255 कॉम्बिनेशन हुई है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, इसको करूँगा 1, फिर इसको चलाऊँगा 1 से लेके 255 तक, तो 255 और 255 410 हो गई है। अब वो ऐसा तो पता नहीं पूरा चलेगा वो, ये तो बहुत हो गया।
अच्छा ये कैसे पता चलेगा, ये पता ऐसे चलेगा कि 255 मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 255, इतना ही चलेगा ना मैक्सिमम, ये कि मैं तीनों को जीरो से 255 तक चलाऊँ, तमाम की तमाम कॉम्बिनेशन। ये जो सेट वाली मैथमेटिक्स होती है ना, उसमें वो कहते हैं कि जी वो हर तरह का सेट बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है अगर ए और बी का सेट है तो कितने पॉसिबल सेट बनते हैं, ए ए ए बी और बी सी और सी ए, तो ये सारे पॉसिबल सेट अगर बनाता हूँ मैं, ये तीन वेरिएबल हैं तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगी। तो ये जो नंबर आया ना मेरे पास, ये आया है 16 मिलियन, ठीक है, 16 मिलियन कलर से मैं बना सकता हूँ इन तीन वेरिएबल्स को चेंज करके, मैं 16 मिलियन डिफरेंट कलर्स बना सकता हूँ जो कि ब्लैक से शुरू होते हैं और वाइट पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, और उसके दरमियान हर तरह का कलर आएगा जो भी आप सोच सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अच्छा 16 मिलियन कलर से आपको कुछ याद आ रहा है? 16 मिलियन कलर जो है वो पुराने ज़माने में जो फ़ोन आता था छोटे छोटे, उसमें उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा होता था कि 16 मिलियन कलर्स, वो इसीलिए लिखा हुआ होता था। अच्छा तो अभी भी जो डिवाइसेज हैं जितनी भी, वो सभी 16 मिलियन ही, सब 16 मिलियन ही कलर दिखते हैं सब में, सही है, लेकिन वो अब क्योंकि वो मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो उससे ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं जिसको अब वो स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं। अब वो लिखते हैं जी वाटर रेजिस्टेंट है, तो वो लिखने वाली बात है, अब वो 16 मिलियन को मेंशन नहीं करते। तो ये जितने भी कलर स्क्रीन्स हैं जो आरजीबी को फॉलो करती हैं, ये तमाम की तमाम क्या होती है, 16 मिलियन को कलर को, हाँ लिख 1 बिलियन तो नहीं है किसी में, है किस में, नाम बताओ कोई, अच्छा वेल हाँ चलो सही है, 1 बिलियन कलर प्रोड्यूस करने के हार्डवेयर उनका काबिल होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल पे तो आरजीबी है ना। अच्छा मगर आरजीबी से भी आगे एक मंजन आ गया, वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वो क्या मंजन है, ठीक है। अच्छा 16 मिलियन कलर भी ना हर डिवाइस प्रोड्यूस नहीं करती है, जैसे ये एलसीडी पे भी ना पीछे पलटेंगे आप तो लिखा हुआ होगा 16 मिलियन कलर, लेकिन ये 16 मिलियन कलर प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन के वो कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन के वो जो टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हुई है, मिसाल के तौर पे एलसीडी स्क्रीन जो है, एक तो वो मॉनिटर है ना कलर मॉनिटर, वो तो छोड़ दें उसको, जो एलसीडी स्क्रीन है जो ये वाली है और जो ये वाली है, इसके अंदर जो जैसे इसमें या मिड लेवल के जो स्क्रीन हैं, मिड लेवल के एंड्रॉयड फ़ोन हैं, उसमें आमतौर पर जो TFT डिस्प्ले होता है, या उसमें आपका एक और आता है वो जो एमोलेड है, जो वो तो हाई एंड वाले में होता है, हाई एंड एंड्रॉयड फ़ोन जो उसमें एमोलेड डिस्प्ले होता है, तो अब एमोलेड डिस्प्ले जो होता है उसकी कैपेबिलिटी जो होती है ना, उसमें जो छोटी छोटी हर पिक्सल की जगह जो एक एलईडी लाइट लगी हुई है, वो एलईडी लाइट इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि अगर, क्योंकि हर एलईडी लाइट में 3 LED लाइट्स होती हैं असल में, एक पिक्सल के अंदर 3 LED लाइट होती है, एक रेड होती है, एक ब्लू होती है, एक ग्रीन होती है। अब मैं जब उसको पावर देता हूँ तो जो ग्रीन लाइट है वो कितना ग्रीन है, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि वो कितना ग्रीन है। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला जो ब्लू कलर है इसके अंदर, वो मेरी स्क्रीन पे ज़्यादा ब्लू दिख रहा है, वहाँ कम ब्लू दिख रहा है, थोड़ा सा ही फ़र्क है लेकिन है, वो ज़्यादा ब्लू वहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है। इसी तरह आप देखें ना जो कार की हेडलाइट होती है, जब कार की जो बैक लाइट होती है, जब नई कार होती है तो उसकी बैक लाइट बिल्कुल रेड होती है कड़क, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरता है वो धूप में खड़ी होती है, उसका कलर फेड हो जाता है, फिर वो बैक लाइट उतनी लाल नहीं रहती जितनी वो पहले थी, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह वो एलईडी लाइट कितनी रेड है, क्या वो कम रेड है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने अलग से एलईडी लाइट देखी हो, उसको एक्सपेरिमेंट करने का अगर मौका मिला हो, तो अगर कोई 1.5 वोल्ट की एलईडी लाइट है ना, तो उसको 1.5 वोल्ट की जगह अगर उसको मैं 1.7 या 1.8 वोल्ट दे दूँ, तो वो लाल रंग की एलईडी ना वो सफ़ेद होने मांगती है, वो तेज़ हो गए और वो सफ़ेद होने, सफ़ेदी की तरफ चली जाता है उसका कलर। या अगर कोई ग्रीन लाइट है, अगर उसको मैं ज़्यादा पावर देता हूँ तो वो ग्रीनिश कलर अपना लूज़ कर जाती है, वो जब थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ जलती है। बल्कि आपको मैं और बेहतर मिसाल दूँ जो आपको रिलेट कर पाएंगे, जो हमारा हेलोजन बल्ब है, जो पीला, जिसको टंगस्टन बल्ब भी कहते हैं, जो हेडलाइट में और आपके पहले घरों में भी इस्तेमाल होता था, उसमें आप नोट करेंगे जब उसको वोल्टेज कम मिलता है तो वो पीले कलर का दिखता है, येलोइश कलर आता है उसका, लेकिन जैसे ही उसको वोल्टेज पूरा मिलता है तो वो अपना येलो कलर लूज़ कर जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है।
तो इसी तरीके से कोई एलईडी लाइट जो है वो कम ग्रीन या ज़्यादा ग्रीन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस क्वालिटी की लाइट है। अच्छा, फिर दूसरी बात कि उस एलईडी जो पिक्सल है उस पिक्सल के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे लाल वाला अगर पिक्सल है जो लाल कलर का पिक्सल है तो वो 0 से लेके 255 तक जब मैं एक एक लेवल बढ़ाऊँ ना तो वो एक एक करके बढ़े और 0 पे वो बिल्कुल ऑफ हो जाए और 255 पे वो फुल ग्लो करे और रेड हो बिल्कुल, ये ना हो कि सफ़ेद हो जाए, फुल रेड हो जाए। तो ये जो कैपेबिलिटी है ना ये TFT के अंदर नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप देखें आपके उस तरफ जो मॉनिटर पड़ा हुआ है वो ऑफ है और ये जो है वो ऑन है, तो इसका जो ब्लैक कलर है और ऑफ का जो ब्लैक कलर है आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये ऑन है। इतनी दूर से बैठ के भी आपको दिख रहा होगा कि ये ऑन है, यानी ये इस वक्त इसके ऊपर ये जो घूम रहा है ना डेल लिखा हुआ आ रहा है और वो ये टेस्टिंग के लिए होता है असल में, स्क्रीन सेवर होता है वो चारों साइड से घूमता रहता है ताकि स्क्रीन के ना वो बल्ब को बाकायदगी से जलाए, कोई एक तरफ का बल्ब ज़्यादा देर जलेगा तो वो डिम हो जाएगा बाकी ब्राइट हो जाएगा, तो इस वजह से ये लगाते हैं कि वो हर तरफ ना बारी बारी ऐसे जाए घूमता रहे। तो आप देखें जो एरिया ब्लैक है ना दैट इज़ सपोज टू बी 0, तो 0 पे बल्ब को पूरा बंद हो जाना चाहिए लेकिन ये पूरा बंद नहीं हो रहा, ये हल्का सा इसके अंदर एक ब्राउनिश कलर का एक हल्की सी लाइट मुझे दिख रही है। अच्छा, इसके बराबर वाला ऑन द एंड जो बिल्कुल ब्लैक है क्योंकि वो ऑफ है। अच्छा, लेकिन जो सुपर एमोलेड वाले जो है ना टेक्नोलॉजी जो इसके बाद आई है TFT के बाद आई है उसमें क्या होता है कि जी ब्लैक जो है ना वो ऐसा ब्लैक होता है कि ऑफ में और ऑन में फ़र्क नहीं कर पाएंगे आप। अगर मैं कोई ब्लैक कलर की फ़ोटो उसमें लगाऊँ, प्योर ब्लैक कलर की एक अगर फ़ोटो मैं उसमें खोलूँ और उसको मैं फुल स्क्रीन कर दूँ तो आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये LCD इस वक्त ऑफ है या ऑन है। या समटाइम मूवी चलते हुए भी क्या होता है ऊपर और नीचे ब्लैक कलर की पट्टी आ रही होती है तो उस ब्लैक कलर की पट्टी को ना आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ये कहाँ से ब्लैक पट्टी शुरू है और कहाँ पे मेरी LCD असल में ख़त्म हो गई है। इसमें आपको बाकायदा वो ब्लैक पट्टी ना हल्का सा ब्राउन कलर की दिख रही होती है जो TFT डिस्प्ले। अच्छा, अब एमोलेड या सुपर एमोलेड के भी बाद और मज़ीद बेहतर टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे कि एक है मिनी LED जो अभी एप्पल का एक नया टैबलेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो क्या बोलते हैं उसको iPad, उसमें उन्होंने मिनी LED करके एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। तो जो मैं कह रहा था ना कि जी वो 0 पे जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए और 255 पे जाके वो बिल्कुल ग्लो करने लग जाए, अब वो ग्लो करे तो कितना तेज़ ग्लो करे ये भी एक इंटेंसिटी भी एक चीज़ है। जैसे ये जो मेरे आगे लैपटॉप रखा हुआ है इसमें ये कहते हैं कि जी 500 nits जो है ना इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है, यानी जब वो पूरे 255 पे जाएगा तो 500 nits की वो रोशनी निकालेगा और लाल होगी वो। उस वाले में जो है वो 1000 nits है यानी इसका डबल, 1000 nits जो सादा टॉर्च होता है ना उसकी लाइट होती है 1000 nits, यानी अगर मैं इस रूम में जलाऊंगा तो मैं आराम से इस रूम में छोटे मोटे काम कर पाऊँ इतनी ज़्यादा लाइट होती है, तो 1000 nits उसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है। वो मिनी LED है और वो उसमें क्लेम करते हैं, अब मैंने चला के तो उसको अभी तक नहीं देखा, वो क्लेम करते हैं कि दुनिया का सबसे डार्क जो ब्लैक जो है ना ब्लैक इसमें जो दिखेगा वो दुनिया का सबसे ब्लैक दिखेगा, यानी सुपर एमोलेड से भी ज़्यादा डार्क ब्लैक है जो वो कैपेबल है उसको दिखाने के। ठीक है, क्योंकि सुपर एमोलेड में तो क्या होता है कि सिर्फ वो लाइट्स को ऑफ़ कर लेता है, ये पता नहीं कुछ और भी करता है शायद, लाइट को ऑफ़ करने के अलावा शायद बाहर की लाइट को भी अब्जॉर्ब करता है, पता नहीं कुछ करता होगा इस तरह। तो वो कह रहे हैं कि जी सबसे डार्क ब्लैक इसमें दिखेगा और ब्राइट जो है वो सबसे ब्राइट इसमें दिखेगा, तो वो क्लेम करते हैं। ज़ाहिर है अब ये रुकेगा तो नहीं कभी भी, ये तो टेक्नोलॉजी है, ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्रेसिव मैनर में जो है वो बढ़ती चली जाएगी, टेक्नोलॉजी आगे जाती जाएगी। तो इससे पता क्या चला कि जो 16 मिलियन कलर लिखा हुआ है ना सबने लिख के लगाया हुआ है वो इसकी वजह से लिख के लगाया हुआ है, RGB कलर को फॉलो करते हैं वो, लेकिन असल में हर डिवाइस इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो पूरे 16 मिलियन कलर दिखा सके। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक LED है उसका लेवल ही 10 है, यानी 0 से लेकर 255, तो 255 अलग अलग लेवल है ना उसकी, यानी इंटेंसिटी जो है कि जी 0 करूँ तो ऑफ हो जाए, फिर 1 करूँ तो बिल्कुल हल्का सा जले, फिर 2 करूँ तो थोड़ा सा बढ़े, फिर 3 करूँ तो थोड़ा सा बढ़े, अल्टीमेटली 255 स्टेप में जाके वो पूरा फुल ब्राइट हो, लेकिन एक में अगर 10 स्टेप में वो पूरा ब्राइट हो जाता है और उसके बाद वो मज़ीद आगे ही नहीं बढ़ता, आप जितना भी उसको कुछ कर लें वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का, हार्डवेयर का और बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के जो है ना ये आपको स्क्रीन पर कलर नज़र आता है। ठीक है, अच्छा हम जो पढ़ेंगे इसमें वो सॉफ्टवेयर साइड की चीज़ ज़रा हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर साइड पे ये कैसे हैंडल होता है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया जी कि RGB को मिला के ना सारे कलर बन जाते हैं और 16 मिलियन कलर बन जाते हैं।
ये जो नेम्ड है कलर ये 147 है, इसमें तो चलो लिमिटेड है, अगर आप मोस्ट कॉमन लगाना है तो ये लगा दिया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, कौन बताएगा कि जी ये क्या लिखा हुआ है, किसी को आइडिया है कि ये क्या लिखा हुआ है? हेक्स कोड है। अच्छा नहीं, हेक्स कोड में ये कलर का कोड है, ये इस कलर की कोड में क्या लिखा हुआ है इस वक्त, और इसका क्या मतलब हुआ? नो आइडिया। रेड ब्लू और ग्रीन की वैल्यूज हैं ये भी, ये भी असल में क्या है, रेड ग्रीन की, किसने बोला ये? आपने बोला, गुड यार। तो ये भी असल में क्या है, रेड ब्लू और ग्रीन की ही वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये किस जुबान में लिखी हुई है? चाइनीज़ में लिखी हुई है, हेक्साडेसिमल में इन्होंने लिखा है इसको, ठीक है। तो ये पहला जो दो है ये है आर, फिर दूसरा जो ये दोनों है ये जी है, और ये तीसरा जो दोनों है ये क्या है, बी है, यानी कि ब्लू। अच्छा अब ये हेक्साडेसिमल क्या बोला है भाई? हेक्साडेसिमल एक ख़ास किस्म की गिनती है, हम जो गिनती इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं डेसिमल, सही है। डेसी का मतलब होता है 10 और मल का पता नहीं क्या मतलब होता है। वेल, तो डेसी का मतलब होता है 10, इसका मतलब ये हुआ 10 यूनिक सिंबल वाली गिनती। हमारी जो डेसिमल गिनती है इसके अंदर 10 यूनिक सिंबल होते हैं, 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, तो ये 10 ही यूनिक सिंबल हैं। इन्हीं 10 यूनिक सिंबल से मिलके आपने 1 करोड़ लिखना है, 10 लाख लिखना है, 5,635, 3,638 जो भी लिखना है ना आपने, वो इन्हीं 10 सिंबल्स को मिला के लिखा जाएगा। तो इस नस्बत से इसको हम कहते हैं डेसिमल। अच्छा अब एक है हेक्साडेसिमल। हेक्सा किसको कहते हैं? 6 को कहते हैं, और डेसी कहते हैं 10 को, तो 10 और 6, 16 तो मतलब थोड़ा सा वियर्ड है ये, लेकिन इंग्लिश में जो गिनती होती है ना हमारी, वो थोड़ी अलग है, और उर्दू में भी थोड़ी अलग है, बाकी जो बची हुई दुनिया ना वो गिनती उनकी बिल्कुल ही अलग है। जैसे हम क्या करते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं कि 1 से लेके 10 तक जो है गिनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, सही है 20 तक आ जाते हैं हम, 20 के बाद फिर क्या करते हैं हम 21, 22, 23, 24, उसके बाद 30 पे जाते हैं 31, 32, 33, तो हमारा पूरा 100 तक जो है ना पूरी गिनती है, 100 तक हमारी पूरी उर्दू की गिनती है भाई, अलग अलग नाम है सबके। अच्छा इंग्लिश में ऑन अदर हैंड ऐसा नहीं है, इंग्लिश में क्या है कि 1, 2, 3, 4 करके 9 तक जाते हैं, उसके बाद 10 आ जाता है। अच्छा 10 के बाद कुछ ऐसे हैं जिसके नाम हैं, अदरवाइज बाकी सारे फिर बगैर नाम के, जैसे 11, 12, 13, 14 है ना, इसके कुछ नाम हैं कुछ के। अच्छा वंस वो 20 पे हम पहुंच गए ना, फिर कोई नाम वाम नहीं है, बट 21, 22, 31, 32, 30 अलग है, 2 अलग है, 41, 42, 51, 52, यानी 50 एक अलग वर्ड है, 1, 2, 3 ही चल रहा है साथ में उसके, ठीक है। तो ये दो गिनती है, इन दोनों से तो हम फेमिलियर हैं। अच्छा अब जो चाइनीज़ हैं उनकी गिनती बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने इससे भी शॉर्ट कर दिया नाम, वो एक तो जाते हैं 1 से 10 तक और 20 तक जाते हैं बल्कि। अच्छा 20 तक जब वो चले जाते हैं वंस, उसके बाद 30 नहीं है उनके यहाँ, वो 30 को बोलते हैं 20-10, सही है। और फिर 40 भी नहीं है शायद, 40 को भी पता नहीं 20-21 बोलते हैं, ये ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा फिर 50 भी नहीं है, 50 को बोलते हैं 20-20-10 ऐसे करके, फिर शायद पता नहीं 60 है, शायद 60 है, तो अगर इस तरह का कोई चक्कर है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत अजीब है। अच्छा वो जर्मन की भी ऐसी हैं, और बहुत सारे मुल्क हैं जो इससे फेमिलियरिटी रखते हैं, तो फ्रेंच में भी कुछ इसी तरह का मंजन है, तो इनकी थोड़ी डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा खैर, तो ये एक ऐसी बात वैसे ही बता दी मैंने। तो हमारे पास जो ना ये हेक्सा डेसी जो है ना, जो इन्होंने हेक्सा को अलग किया और डेसी को अलग किया है, तो इसका मतलब है 16, हेक्सा डेसी 16 मतलब लैटिन है ये, लैटिन में हमारे जो साइंटिफिक हेरिटेज है वो लैटिन से बड़ा मुतासर है, तो वो सारे नाम आप देखेंगे साइंटिफिक नाम ना ज़्यादातर लैटिन से इन्होंने उठाए हुए होते हैं, हालांकि कोई लैटिन का कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब को बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट या तो इंग्लिश थे या तो जर्मन थे या तो मुसलमान थे, ये लैटिन वैटिन तो कोई इतने बड़े आपको साइंटिस्ट इसमें मिलेंगे नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने शायद लैटिन शायद उस वक्त कोई ज़ुबान शायद ये चलती थी, जैसे उर्दू है ना, उर्दू से सुपरलेटिव फारसी को समझा जाता है,
और फारसी से सुपरलेटिव अरबी को समझा जाता है। तो कोई बंदा अगर जैसे मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में जो लोग फारसी बोलते थे उनको समझते थे बड़े भाई तोप चीज़ है तू, अच्छा फिर जो अरबी बोलता था वो उससे बड़ी तोप चीज़ है। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि जी थोड़ा इंग्लिश विंग्लिश जो बोल देता है बंदे बोलते हैं वाह यार इंग्लिश बोलता है, अच्छा फिर कोई अगर इंग्लिश से भी ऊपर फ्रेंच फ्रेंच बोल लेता है जर्मन बोल लेता है तो बंदे बोलते हैं वाह यार तू तो फिर बिल्कुल ही तोप चीज़ है। तो शायद इस तरह का कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हर चीज़ ना वो लैटिन हर चीज़ में आपको नज़र आती है। तो डेसिमल जो है उसमें 10 यूनिक सिंबल हैं और हेक्साडेसिमल जो है उसमें 16 यूनिक सिंबल हैं। अब एक ऐसी गिनती जिसमें 16 यूनिक सिंबल हैं आप उसको कैसे इमेजिन करेंगे? इसका मतलब ये होगा 16 यूनिक सिंबल वाली गिनती में ये होगा कि ज़ीरो से शुरू होंगे आप, ज़ीरो से लेके आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे आके 10 पूरे हो गए। अब लेकिन 6 और रहते हैं अभी, ठीक है। अच्छा हम डेसिमल में क्या करते हैं इसको गौर से समझेंगे आप, बिल्कुल ऑब्वियस बात है और बिल्कुल कॉमन बात है, जस्ट रियलाइज़ करवा रहा हूँ मैं आपको। डेसिमल में क्या होता है कि जैसे ही वो 10 यूनिक सिंबल हमारे ख़त्म होते हैं वो पढ़ने में तो उन्होंने जो भी नाम रखा है लेकिन राइटिंग में वही रिपीट होते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, तो राइटिंग में कोई उसका वो नहीं है। जैसे ही 10 सिंबल ख़त्म हुए वो रिपीट हो जाते हैं, यानी 0 से 9 तक पहुँचे ना तो वो वापस 10 हो जाता है, फिर 11 12 13, फिर वो 1 ख़त्म होता है फिर 21 22 23 चल जाता है, फिर 2 ख़त्म होता है 3 1 3 2, वो चलता वही 9 पे पूरा। तो वो जैसे ही सिंबल ख़त्म होते हैं रिपीट होना शुरू हो जाते हैं सिंबल। अब ये 9 पे पहुंच के रिपीट नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 6 और सिंबल हैं अभी, तो 9 के बाद ये बोलते हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो इसके जो यूनिक सिंबल हैं वो 0 से लेके एफ तक हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल है। अच्छा तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे हेक्साडेसिमल में ये बात बोलनी है कि मुझे एक दर्जन केले चाहिए यानी 12 पीस केले चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा? इंग्लिश में तो मैं बोलूँगा 1 2 12, क्यों? हाँ 1 A तो नहीं, 1 C भी नहीं, 12 केले मुझे चाहिए, 9 C कैसे? नहीं, हाँ भाई 12 केले चाहिए। फौरन इसने गूगल कर लिया। 9F क्यों? 9F क्यों? सिर्फ सी होगा क्योंकि भाई इसके 0 से 9 पे जाके सिंबल ख़त्म थोड़ी हुए हैं, अभी तो बाकी हैं सिंबल, तो वो सिर्फ सी बोलेंगे हम उसको, है ना। 9 उसके बाद ए बी और सी, इंग्लिश में हमारे पास हो जाता है 10 11 12, तो मैं बोलूँगा सी के लिए। ये गिनती है भाई उनकी, अब कर लो जो करना है, या ऐसी ही है भाई। बोलेंगे सी, ठीक है, हमारे यहाँ सी कुछ और बोलते हैं एक दूसरे को हम। खैर तो ये वो वाला सी नहीं है, ये बस सी है। अच्छा फिर अगर मुझे बोलना होगा कि यार मलीर के 15 नंबर पे चले तो 15 को कैसे बोलूँगा मैं हेक्साडेसिमल में? इंग्लिश में तो बोलूँगा मैं 15, यानी डेसिमल में मैं बोलूँगा 15 15, ई बोलूँगा मैं, सही है। एफ तो 16 है ना, नहीं सॉरी एफ बोलूँगा मैं, एफ बोलूँगा मैं, हाँ एफ जो है 16 नहीं, एफ 16 नहीं है, एफ जो है वो 16वां सिंबल है, एफ जो है वो असल में 16वां सिंबल है लेकिन उसकी वैल्यू 15 है। 0 से शुरू हो रहा है ना, 0 से शुरू हो रहा है ना, तो 0 पहला और 15 आखिरी है, तो F इज इक्वल टू 15 क्योंकि 9। हाँ सही कहा आपने, नहीं जो 0 में अंग्रेजी का जो मतलब है 0 में वही ए भी है, यानी डेसिमल में 0 और यानी 0 से लेके 9 तक तो डेसिमल और हेक्साडेसिमल सेम है, तो आप जो 0 में डेसिमल जिसको समझते हैं ना 0, तो वो हेक्साडेसिमल में भी 0 वही है, 1 भी वही है, 2 भी वही है, 3 भी वही है, 9 तक वही है, ठीक है। अच्छा 9 के बाद 10 11 12, यानी कि ए बी और सी, नहीं यार सी होगा भाई, बी कहाँ से होगा, वो तो सही बताया था उसने। अच्छा ए बी और सी ये 12 हो गया, 13 डी, 14 ई और 15 एफ। अच्छा ई भी तो होता है बीच में, इसको लिख के करते हैं यार, मैं भी गड़बड़ हो रहा हूँ, कभी हमने यूज़ नहीं की ना असल में ये वाली गिनती, ये सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में चलती है ये गिनती।
हाँ नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी आपको इसकी। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, अब जब तक देखें ये गिनती नहीं समझ आएगी ना, ये हेक्साडेसिमल का कोड ही नहीं समझ आएगा, मसला ये है हमारे साथ, इसलिए हमें ये गिनती थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अच्छा, मगर एक चीज़ और है कि साइंस की बहुत सारी फील्ड में ना ये गिनती आपको एज इट इज़ मिलेगी इसी तरह, तो ये एक बार समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेसिमल की गिनती, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, एंड सो ऑन, 16, 17, 18, ठीक है, ये पूरा इसने लिख दिया, 26 तक लिख दिया। अच्छा, अब यही चीज़ मैंने यहाँ लिखनी है इसमें हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल में इतना पार्ट तो सेम है, लेकिन उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है ए, फिर बी शुरू, बल्कि यहाँ पे, हाँ चलो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं एग्जैक्टली, ताकि हमें एग्जैक्टली पता रहे कि कौन सा क्या चल रहा है। ए है, उसके बाद फिर बी है, उसके बाद फिर सी है, उसके बाद फिर डी है, उसके बाद फिर ई है, एफ है, बस एफ़ के बाद, अब एफ़ के बाद हो गए मेरे यूनिक सिंबल ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, एफ़ के बाद मेरे यूनिक सिंबल हो गए ख़त्म, अब अगला क्या लेटर लिखूंगा मैं यहाँ। अच्छा, इसके लिए हम देख लेते हैं डेसिमल में हम क्या करते हैं। डेसिमल में हम ये करते हैं कि दोबारा ज़ीरो से शुरू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोबारा ज़ीरो से शुरू करेंगे, लेकिन ज़ीरो से पहले क्या लगा देंगे हम, डबल ज़ीरो फन लगाएंगे ना, 10 होगा ना यहाँ पे, 10 होगा भाई, 01 कैसे होगा, देखें और से समझें इसको। यहाँ तक मेरे सिंबल ख़त्म हुए ना डेसिमल में, तो मैंने क्या कहा, नहीं नहीं डबल ज़ीरो से क्यों होगा, ये 0 से 9 तक ही लिखा है मैंने दोबारा, ये डेसिमल में भी ये 0 से 9 तक यहाँ लिखा, फिर अगला भी मैंने 0 से 9 तक ही लिखा है, आप नोट करें ये 0 से 9 तक लिखा है मैंने, लेकिन 0 से 9 तक लिखा है ना जो मैंने, तो उससे पहले यानी 0 से पहले मैंने कैरेक्टर लगा दिया, 1 लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये 1 कहाँ से उठाया मैंने, यहाँ जो भी पहला था ना 0 के बाद वो उठाया मैंने, फिर उसके बाद ये ख़त्म हुआ तो 2 लगाना शुरू कर दिया मैंने, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3 कर दिया, फिर 2 ख़त्म हुआ तो 3 लगाना शुरू कर दिया। तो अब इसमें भी क्या होगा कि मैं दोबारा 0 से लेके मैंने F तक लिखा है ना, तो मैं दोबारा 0 से लेके F तक लिखूंगा, लेकिन अब की बार मैं क्या करूंगा, सबके साथ 1, 1 लगा दूंगा, ठीक है, तो 10, 11, 12, 13, 14, हाँ 15, 16, 17, 18, 19 और 19 के बाद, 19 के बाद क्या लिखूंगा मैं, 19 के बाद मैं लिखूंगा 1A, क्योंकि इसके यूनिक सिंबल 9 पर ख़त्म नहीं हुए। उसके बाद मैं लिखूंगा 1B, उसके बाद मैं लिखूंगा 1C, ठीक है जी, उसके बाद 1D और 1F पे जाकर ये ख़त्म होगा। 1F के बाद मैं क्या करूंगा, 20, यस। अच्छा, इसी तरह 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 9 तक जाएगा, फिर 2A, 2F पे जाके ख़त्म होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं, अब हमारे हिसाब से ना 1A जो है, देखिए अच्छा, अब गिनती पहले तो ये समझे गिनती समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको बोला जाए कि भाई 500 तक आपने हेक्साडेसिमल की गिनती लिखनी है, तो वो तो आप लिख लेंगे, 10 को ए नहीं कह सकता भाई, ऐसा कैसे, उसको आप लिखें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, अभी मैं यहाँ खोलता हूँ उसको, अच्छा सॉरी आपने क्या कहा कि 1A को 10 कह रहा है या A को 10, हाँ तो 10 तो A है ना, मैं समझा 1A को 10 कह रहा है ये, नहीं 10 को मैंने A लिखा, हेक्साडेसिमल का जो 10 है ना वो तो इक्वल है आपके, आपके किसके इक्वल है, वो 16 के इक्वल है, हेक्साडेसिमल में आप 10 लिखेंगे ना तो डेसिमल का 16 बनेगा वो, और हेक्साडेसिमल का 14 जो है ना वो डेसिमल का 20 बनेगा, क्योंकि इसमें सिंबल ज़्यादा है ना, ये देर देर में आता है, 20 इसमें देर में आता है, 30 देर में आता है, हमारे डेसिमल में पहले आ जाता है 30। हाँ ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि जी अगर कहीं पर 20 लिखा हुआ है तो
तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि भाई ये हेक्साडेसिमल का 20 है सादा 20 है, ठीक है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग में इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, इनिशियलाइज वेरिएबल विथ हेक्साडेसिमल, सही है। तो इसके साथ ना ये लगाते हैं 0x, इसको इनिशियलाइज करने के लिए ना लगाते हैं साथ में 0x। अब आप ये बताएं कि ये वाला कोड देखा देखा लग रहा है, ये चीज़ देखी देखी लग रही है कुछ? है अच्छा, 0x तो हो गया ना, उसके बाद ये पूरा डेसिमल, ये हेक्साडेसिमल है। अब ये कोई बहुत ही बड़ा नंबर लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि ये देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है ये। हेक्साडेसिमल में 8 डिजिट जो है वो बिलियंस क्रॉस कर जाता है। नहीं 6 नहीं, वो तो हमने 6 लिखा हुआ है ना, वो तो आप जितने मर्जी भाई, डेसिमल में कोई लिमिट है कि भाई 6 डिजिट का नंबर होगा? भाई लाख में 5 जीरो होते हैं और एक वैल्यू, मतलब 6 डिजिट का जो होता है वो लाख होता है ना, यानी 5 लाख अगर मुझे लिखना है तो डेसिमल में मैं 6 डिजिट का नंबर लिखूंगा, तो कोई लिमिट थोड़ी है कि 6 पे रुक गया, आप 8 का ले। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखा देखा लग रहा है, आप कह रहे थे ना इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो प्रोग्रामिंग में हमेशा इसके साथ ना ये लगाते हैं OX लग जा, 0X लगता है। अच्छा वो डीकोड अभी बताता हूँ मैं। अच्छा ये जो 0X लगा हुआ है ना साथ में इसके, प्रोग्रामिंग में अभी हम जावास्क्रिप्ट करेंगे इंशाल्लाह, जावास्क्रिप्ट में तो वैसे हम इस लेवल पे जाएंगे नहीं होपफुली, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज वगैरह में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जावास्क्रिप्ट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आमतौर पर। तो ये जो 0x लिखा हुआ है ना और साथ में ये इसको हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है ना उसको हेक्साडेसिमल ज़्यादा अच्छा समझ आता है, बाइनरी और हेक्साडेसिमल ये ज़्यादा अच्छा उसको समझ आता है। जो आपका x86 का प्रोसेसर है उसकी जो इंस्ट्रक्शन है सारी वो हेक्साडेसिमल में, तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, वो उसको एज इट इज समझेगा। अगर आपने अपने लिए कन्वर्ट करना है तो ऑनलाइन कन्वर्टर मौजूद है, जो दोस्त ने खोला हुआ था ना अभी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे तो कन्वर्ट हो, जैसे इंच टू फीट में कन्वर्ट करते हैं तो आप वैसे कन्वर्ट कर लेंगे। वेल अब ये देखा देखा जो मैं आपको कह रहा था ना लग रहा है, किसी को भी नहीं लग रहा देखा देखा ये है, अब लग रहा है देखा देखा? अक्सर जो आपके पास एरर आता है ना उसमें देखिए इस तरह का कोड लिखा होता है। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है ना उसकी जो ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इंटरनल इंस्ट्रक्शन वो हेक्साडेसिमल में कोड हुई हुई है, ठीक है। तो अक्सर आपको ना एरर में ये देखने को मिलता है, ये देख रहे हैं आप एरर आया हुआ है, एरर के साथ ये कोड लिखा हुआ है, तो वो हेक्साडेसिमल की कोडिंग की पूरी लिस्ट बनी हुई, क्योंकि एरर की तादाद उसी हिसाब से जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन है, तो हर इंस्ट्रक्शन के साथ उसका एरर भी होता है। वेल ये मैंने वैसे ही दिखा दिया, इसका कोई मतलब नहीं था कि ये एरर में क्यों आता है क्यों नहीं आता, वो पूरी एक अलग कहानी है, तो उसकी डिटेल में अभी मुनासिब नहीं है जाना, अभी हम वापस आ जाते हैं इधर। अच्छा जी, तो मैंने आपको क्या सिखा दिया, डेसिमल और हेक्साडेसिमल दोनों ज़रा कोरिलेट करवा दिया। तो अब आ जाते हैं ज़रा हम वापस, और वापस आके हम ज़रा अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अब क्या भला है। इसमें आप देखें 6 डिजिट है ना, तो पहला जो 2 डिजिट है ये क्या है, ये रेड की वैल्यू है, सही है, ये रेड की वैल्यू है, और दूसरा जो है वो क्या है, ये ग्रीन की वैल्यू है, और तीसरा जो क्या है वो ब्लू की वैल्यू है। तो अच्छा अगर मुझे ये करना हो ना कि रेड और ग्रीन को करना हो 0, तो मैं इन चारों को कर दूंगा 0 0, और अगर मुझे ब्लू को करना होगा फुल तो इसको मैं क्या कर दूंगा 0 0, तो मिनिमम हो गया। मैक्सिमम क्या लिख सकता हूँ इसमें, मैं FF लिख सकता हूँ, मैंने है ना, मैक्सिमम मैं लिखूंगा इसमें FF, क्योंकि सबसे बड़ा कैरेक्टर वही है। अच्छा FF जो है ना हेक्साडेसिमल में, वो डेसिमल में कितना बनता है, 255। तो 0 से 255 का जो मंजन है ना वो आया यहाँ से, इन्होंने बोला यार मैक्सिमम जो बनता है ना वही मैक्सिमम बना दो, वरना मतलब मेरे जैसा कोई बंदा होता तो वो लगता 0 से 100 है ना, एक कोई भी कॉमन सेंस वाला बंदा 0 से लेके 100 तक लिखता। वो असल में चक्कर ये था कि आया सबसे पहले ये हेक्साडेसिमल, तो इसमें वो FF असल में होता है 255, तो उन्होंने बोला चलो 0 से 255 जाने दो। अच्छा ई देख लेते हैं हम कि क्या मतलब है।
अब एक तो तरीका ये ई को देखने का कि हम पूरा लिखें गिनती यहाँ से आगे तक, और दूसरा तरीका ये है कि कोई ऑनलाइन कन्वर्टर हम चुनना मुन्ना से उठा लें जिसमें ये पूरा हम कोड कर लें कि क्या है ये। सही है, आ जाते हैं जी इमेज में। चार्ट लिख दिया मैंने, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल चार्ट, ये आ गया जी हमारे पास चार्ट। इसके अंदर आप देखें, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ, देखें मैंने आपको बताया कि डेसिमल हम उस गिनती को कहते हैं जिसमें 10 यूनिक सिंबल होते हैं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। एक मैंने आपको बता दिया हेक्साडेसिमल जिसमें 16 यूनिक सिंबल हैं। अच्छा एक ऐसा भी है जिसके अंदर 12 यूनिक सिंबल हैं, एक ऐसा भी है जिसमें 8 यूनिक सिंबल हैं, 6 यूनिक सिंबल वाला भी है, और जो 2 यूनिक सिंबल वाला है उसको हम कहते हैं बाइनरी, उसमें सिर्फ 0 और 1 है बस। अच्छा रिपीटेशन उसी तरह होती है कि जी पहले 0 फिर 1, अब यूनिक सिंबल ख़त्म हो गया, अब 1 0, फिर उसके बाद 1 1, अब फिर ख़त्म हो गए, फिर 1 1 0, डिजिट बढ़ जाएगा। जब यूनिक सिंबल सारे ख़त्म होते हैं तो डिजिट बढ़ जाता है, यानी हम क्या करते हैं 1 0 पे जाके, यानी 9 9 पे जाके हमारे दोनों डिजिट ख़त्म हो जाते हैं तो हम एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं जी अब 3 डिजिट हो गई। अब 3 डिजिट पे 999 पे जाके वो 3 डिजिट भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं अब एक और बढ़ा दो, अब 1000 कर दो, उसको 4 डिजिट हो गया। तो इस तरह होता है उसके अंदर भी, बाइनरी के अंदर भी। तो अब यहाँ पे देखें, इन्होंने एक डेसिमल लिखा है, एक हेक्साडेसिमल लिखा है, और एक ऑक्टा नंबर लिखा है। तो ऑक्टा के अंदर जो होता है ना वो 8 यूनिक सिंबल होते हैं। सही है, तो इसमें देखें 0 से लेकर 7 तक जाके ये रिपीट हो गया, 0 से लेकर 7 तक ही सही किया, उसके बाद रिपीट हो गया। बहरहाल तो कंप्यूटर के अंदर जना, कंप्यूटर क्योंकि भाई कंप्यूटर है, उसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है, तो उसमें कोई उसके लिए मसला नहीं है। आप कितने भी यूनिक सिंबल वाली गिनती उसको बोलो ना, वो समझ जाता है। ठीक है, एक गिनती होती है उसको हम कहते हैं बेस 64, उसमें 64 यूनिक सिंबल होता है। ठीक है, 64 यूनिक सिंबल में पहले वो 0 से शुरू होता है, और 0 से शुरू होकर वो पूरी ABCD चलती है, फिर सारे यूनिक सिंबल उसमें चलते हैं, वो फिर जाके ख़त्म होता है 64 डिजिट पे जाके, और वो 64 के बाद जो 65 आता है ना उसमें, वो होता है 1 0। सही है, फिर ऑनवर्ड्स चलता है वो, तो वो बहुत बड़े साइज़ की गिनती होती है। तो बेस 64 को भी समझता है भाई ये, बेस 62, बेस 60, बेस 59, जितने मर्ज़ी आप बोल दो, आप बोलो यार इतने इसमें यूनिक सिंबल होंगे, वो समझ जाता है, तो बहुत ईजिली उसको समझ भी लेते हैं। अच्छा तो अब हम देख लेते हैं इसमें ई हमारा था ना सबसे पहला था डबल ई। अब डबल ई इसमें देखते हैं कहाँ है, अच्छा ये चार्ट जो है 127 पे जाके ख़त्म हो गया डबल ई, लेकिन 127 तक आया नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें कन्वर्टर पे ही जाना पड़ेगा, इसमें तो डबल ई तक कहानी पहुंची नहीं है ना। हाँ 6 7 8 9 ABCDE, यानी इस तरह की तकरीबन 6 टेबलें और होंगी, जैसे 4 लगी है ना सामने, इस तरह की 6 और होंगी जब हम पहुंचेंगे डबल ई के ऊपर। तो ज़रा इसको हम कन्वर्टर ही खोल देते हैं, ठीक है जी। मैंने लिख दिया ऑनलाइन कन्वर्टर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, अरे ये तो उल्टा खुल गया, स्वाप, अच्छा स्वाप आ रहा है ना, सही है। अब मैं हेक्साडेसिमल लिखूंगा डबल ई और कन्वर्ट का बटन दबाऊंगा, इसका मतलब है 238, इसका मतलब है 238। तो सबसे पहले रेड की उसमें वैल्यू उसने दी है 238। अच्छा अगला क्या था भाई डबल ई के बाद, डबल ई के बाद है 3E। अब 3E जो है वो क्या है, 62 है, ठीक है, और 3E के बाद जो है वो क्या है, 80 है। अब 80 क्या बनता है इसमें, 128 बनता है। ठीक है, तो अब मैं अगर आता हूँ यहाँ पे और मैं आके मेरा जो क्या है, ये मेरा जो टॉप जो हेडिंग है इसको, जो पर्पल मैंने दिया हुआ है, ब्लू कलर जो दिया हुआ है, इसको आके मैं क्या कर देता हूँ, इसको आके मैं ये हेक्साडेसिमल इसको गिनती में दे देता हूँ, है ना। कलर कोड, अच्छा कलर कोड से पहले हैश लगता है, ये कलर कोड की पहचान है, हैश और आगे 6 डिजिट है, मतलब कलर कोड है ये। अच्छा ये जो मैंने कलर इसको दिया ना, तो देखो ये बना है पिंक। अच्छा अब मैं ये कलर कैसे दे सकता हूँ भाई, इस चीज़ को वेरीफाई भी तो करें ना हम, कि ये वाकई 6 डिजिट जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही है। अगर तो वाकई वैसा ही है ये, तो अगर मैं इसको RGB करके भी वो कलर दूँ तो सेम कलर बनना चाहिए भाई। अगर मैं इसको RGB करके और वही सेम कलर्स दूँ अगर,
यानी डबल ई का मतलब जो भी मैंने निकाला था, अगर मैं 238 था, अच्छा उसके बाद मैंने निकाला था क्या था 62 और लास्ट वाला 128, ये वही सेम कलर बन गया आप देखें, ठीक है आप देखें दोनों का सेम कलर बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरीफाई हो गया कि हम जो चीज़ सोच रहे थे और जो हमने थ्योरी समझी थी वो असल में ऐसा ही है, ठीक है। हमेशा जो भी थ्योरेटिकल बात होती है ना उसको इस तरह प्रूफ कर लेना चाहिए ताकि आपको पक्का पक्का पता चल जाए। अच्छा जी, तो इसी के साथ हमने ना कलर को अप्लाई करने के जो तीन डिफरेंट तरीके हैं CSS के अंदर, वो तीनों तरीके हमने आज एक्सप्लोर किए कि वो तीन जो CSS के लगाने के तरीके हैं कलर, वो तीनों असल में इंटरनली वो क्या चक्कर है उसका, ये हमने सारा समझा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अगर अवाइज हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है जी? कमेंट का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। मैं किसी पे भी लाइन पर खड़ो कि कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैक के अंदर कंट्रोल का बटन नहीं होता, उसमें होता है कमांड, ठीक है। थोड़ा बटन ऐसे इसमें पलटा हुआ है ना, यूँ कमांड की जगह कंट्रोल है और विंडो की जगह कमांड है, पता नहीं इस तरह कुछ किया हुआ है। तो इसमें कमांड और फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। और ये तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और हर कोड एडिटर में ये शॉर्टकट सेम है, कमेंट का ये शॉर्टकट हर जगह सेम है। अच्छा जी, किसी और को कोई सवाल तो नहीं है इसमें? हाँ, इसका रीज़न ये कि सबसे पुराना तो है हेक्स कोड। अब हेक्स कोड आपने देखा कितनी मुश्किल से समझ आया, तो ऑब्वियस बात है कि RGB तो आना ही था, ठीक है। और तीसरा जो है इन्होंने बोला, यार जिसको बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी है ना, वो कलर नेम का इस्तेमाल कर ले, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, 12 कलर तो हर किसी को याद होते ही है ना यार। हाँ, प्री डिफाइंड में से वो ईजिली उठा ले। तो ये वजह तीन की, आप तीनों में से कोई भी लगाएं बात एक ही है। लेकिन अब जाहिर है यार, एक पिंक कलर का मुझे ख़ास शेड चाहिए, अब वो उसमें है ही नहीं नाम वाले कलरों में, तो फिर आपको मजबूरन इस पे आना पड़ता है। लेकिन RGB में और हेक्स कोड में कोई फ़र्क नहीं है, RGB और हेक्स कोड बिल्कुल सेम है, बस वो लिखने का फ़र्क है। अच्छा, अभी हेक्स कोड को इन्होंने ख़त्म क्यों नहीं कर दिया भाई? होना तो ये चाहिए था कि उसको ख़त्म कर देते, और ये RGB तो वो इसलिए ख़त्म नहीं किया कि जो लेगेसी सपोर्ट है ना वो हमेशा रखते हैं। तो जाहिर है, अब मिसाल के तौर पर पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में HTML तो 90s में इंट्रोड्यूस हुई है ना, तो उस ज़माने से लेके अभी तक जो HTML के पेजेस लिखे गए हैं वो लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे। तो अगर इन्होंने हेक्स कोड को डिलीट कर दिया फ्रॉम, वो चलना बंद हो जाएंगे, सही है। तो इसलिए लेगेसी सपोर्ट के लिए इसको रखा हुआ है अभी तक। प्लस कहाँ पर हाँ नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो रीज़न ये हो गया कि लेगेसी सपोर्ट बंद ना हो जाए, प्लस दूसरा रीज़न ये है कि जो बहुत सारे बाबे, बुड्ढे बाबे हैं ना हमारे, क्योंकि डिज़ाइनर सारे ज़्यादातर बड़ी उम्र के होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो डिज़ाइन एक फील्ड ऐसी है, जैसे डॉक्टरी है ना, डॉक्टरी में सारे बूढ़े अंकल मिलेंगे आपको, जो जवान डॉक्टर बहुत कम होते हैं, वो शायद लाखों में कोई एक, वहाँ एक्सपीरियंस हासिल होते होते और वो जो सारा चीज़ को एक्सप्लोर करते करते उनकी उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जितने भी डिज़ाइनर इस वक्त हैं ना टॉप नॉच जो हैं, वो सारे अंकल हैं और वो सारे इस ज़माने के, हेक्स कोड वाले ज़माने के। तो उनके ना ये हाथ पे सेट हुआ है, वो कलर देखेंगे ना, मिसाल के तौर पे आपके चश्मे का कलर है एक ब्लू कलर का, एक ख़ास शेड है, वो इसको देखेंगे और इसका कलर कोड लिख देंगे वो, ठीक है। अब उन्होंने एक सेटिंग बनाई हुई अपने दिमाग, यानी होता है ना बहुत सारा रूल ऑफ थंब होता है कि अच्छा जी, अगर तीसरे डिजिट के बाद अगर अल्फ़ाबेट्स अगर हैं तो इसका मतलब है ये कलर बनेगा, ठीक है। अगर किसी के अंदर कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसका मतलब वो लाइट कलर्स हैं। अगर इसमें सारे अल्फ़ाबेट, जैसे इसमें है ना, आप देखें एक जगह इसने लिखा है 3 और फिर ई लिखा है, फिर 80 लिखा है। अब कोई अगर कलर कोड ऐसा जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD ही है उसमें, नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो कलर क्या होगा, थोड़ा लाइट कलर होगा, उसमें वाइट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। अगर किसी में सारी गिनती है तो इसका मतलब है वो डार्क कलर होगा, समझ रहे। तो इस तरह के रूल ऑफ थंब ना वो बाबू ने अपने हाथ पे सेट किए हैं। अब वो इसको छोड़ना नहीं चाहते, वो जो भी डिज़ाइन बना के देते हैं वो इसमें देते हैं,
तो इस वजह से भी एक इसकी लेगेसी बनी हुई है अभी तक, और यही वजह है कि बुक में इसको डिस्कस किया है, क्योंकि खुद डिज़ाइनर बाबा है ये जो बंदा है ना जिसने ये बुक लिखी है, तो सही मानों में तो ये डिज़ाइनर है। इसने अपना डिज़ाइन बहुत शो ऑफ किया है इस बुक के अंदर ना। इस बुक के आप शुरू में देखेंगे, इसने हर पेज का वो बताया है कि जी जो ब्लू कलर का पेज है वो समरी का है, जो डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक कलर का पेज है वो उसमें डायग्राम्स दिखाई हैं मैंने। पूरा शुरू में इसने अपने डिज़ाइन का फलसफा पहले झाड़ा है, उसके बाद इसने बुक शुरू की। तो अच्छा, आई एम इम्प्रेस, इस बंदे से इम्प्रेस हूँ मैं जो इसने बुक लिखी है, और जो इसका डिज़ाइन का और जो क्या कहते हैं उसको थॉट प्रोसेस जो है इसका, इस बंदे का, ये जॉन डकेट का, इसके थॉट प्रोसेस से मैं तो इम्प्रेस हूँ। अच्छा अच्छा डिज़ाइनर है ये। तो इसका मैंने वैसे कोई और काम नहीं देखा, मैंने ये बुक ही देखी है इसकी, लेकिन इस बुक को देख के भी इन्होंने जो डिज़ाइन जिस तरह इस बुक के अंदर बनाया ना, इस डिज़ाइन बुक का, तो आई कैन से कि यार ये अच्छा डिज़ाइनर होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास है जी बैकग्राउंड कलर। अच्छा, बैकग्राउंड कलर में भी आप देखें, ये तीनों तरीके यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। जहाँ जहाँ पे CSS में अब कलर लगाने की बात आएगी, वहाँ वहाँ पे यही तीनों तरीक़ों से कलर लगेगा। एक चौथा तरीका भी है मौजूद, वो आगे डिस्कस होगा अभी। एक चौथा भी तरीका मौजूद है कलर को लगाने का, ठीक है, जो मोर नेचुरल वे है किसी भी कलर को बनाने का, मोर नेचुरल वे है वो। अभी फ़िलहाल इन्होंने तीन डिस्कस किए, तो आप ये इमेजिन करें कि कहीं पे अब बॉर्डर में कलर देना है, शेडो में कलर देना है, किसी टेक्स्ट को कलर देना है, किसी डब्बे को कलर देना है। ये तीनों तरीके हर जगह चलेंगे CSS के अंदर रहते हुए। तो की इसमें बस इन्होंने चेंज किए कि जी बैकग्राउंड कलर, और वही सेम तरीके से कलर